के भक्त। तो फाइनली दोस्तों इसी हफ्ते रिलीज होने जा रही है दो बड़ी फिल्में, जिसमें से एक तरफ है मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म भोला और दूसरी तरफ है नेचुरल स्टार नानी की फिल्म दसरा। तो दोस्तों हम इस दोनों मूवीज के अभी तक की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में और पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और दोस्तों आप नेचुरल स्टार नानी और अजय देवगन के फैन है और उसकी फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल स्टार नानी की फिल्म दसरा मूवी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की। तो दोस्तों बात करें दसरा मूवी के बजट की, तो इस फिल्म को 65 करोड़ के बजट में बनाया गया है। तो वही दोस्तों इस फिल्म को 3 से 3.5 हज़ार स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा और दोस्तों इस फिल्म को कल 30 मार्च को ग्रैंड रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्रीकांत तोडेला ने और दोस्तों इस फिल्म के लीड रोल में आपको नेचुरल स्टार नानी, कीर्ति सुरेश, दक्षित शेट्टी एंड समुति रकानी इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा जैसी 5 भाषाओं में इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के वीकेंड की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक वीकेंड की एडवांस बुकिंग कलेक्शन में 7 करोड़ 80 लाख रुपए की शानदार एडवांस बुकिंग कलेक्शन हासिल कर चुकी है। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म अपने शुरुआती पहले ही दिन तेलुगु और तमिल से 10 से 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। तो वही दोस्तों फिल्म हिंदी में 2 से 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है और दोस्तों फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती पहले दिन 20 से 25 करोड़ रुपए का ओपनिंग ले सकती है। और दोस्तों इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो दोस्तों फिल्म अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 250 से 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। तो फाइनल दोस्तों अब हम बात करेंगे मास महाराजा अजय देवगन की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म भोला, जो कि दोस्तों इस फिल्म को कल यानी कि 30 मार्च 2023 को ग्रैंड रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों बात करें भोला मूवी के बजट की, तो इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है। तो वही दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 4,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा और दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर है अजय देवगन और दोस्तों इस फिल्म के लीड रोल में भी आपको अजय देवगन, तब्बू, दीपक डोबरियल इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के वीकेंड की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने 2D वर्जन से 4 करोड़ 65 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कलेक्शन हासिल कर चुकी है। तो वही दोस्तों इस फिल्म ने 3D वर्जन से 5 करोड़ 50 लाख रुपए की शानदार एडवांस बुकिंग कलेक्शन हासिल कर चुकी है। तो वही दोस्तों इस फिल्म ने 4DMX में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कलेक्शन हासिल कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म अपने शुरुआती वीकेंड की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन 12 करोड़ 25 लाख रुपए की हासिल कर चुकी है। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म अपने शुरुआती पहले ही दिन हिंदी नेट कलेक्शन 15 से 20 करोड़ का कर सकती है। तो वही दोस्तों फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 20 से 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है और दोस्तों इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो दोस्तों फिल्म अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 300 से 350 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। और दोस्तों आप भोला और दसरा दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म देखने जाओगे दोस्तों हमें अपने रिकमेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों आप ऐसे ही भोला और दसरा मूवी के डेली बॉक्स ऑफिस वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों आपके अपने चैनल RM बॉक्स ऑफिस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतने, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।